मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि आज पुलिस कंट्रोल रूम में खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह से मिलने पहुंचे और विभिन्न विषयों पर तथा भगत सिंह चौक क्षेत्र में हुई घटना को लेकर चर्चा की। बैठक आज की सूरत हाल में जिस बैठक का मतलब कहना चाहिए कि लिए गई है, उसमें शहर के अंदर जो भी चार पांच रोज से जो बदमनी फैली है, उस हालात को देखते हुए आज की सूरत हाल में हम जितने भी यहाँ पर गणमान्य नागरिक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि शांति बनाए रखें इसके अंदर अव्वल दर्जे पर। दूसरी बात ये है कि किसी भी बेगुनाह पर, चाहे वो इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, बेगुनाह के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, कोई केस नहीं बने, और जिन लोगों के ऊपर झूठे बिगर कोई इन्वेस्टिगेशन के झूठे नाम लिए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए, और जितने बेगुनाह हैं उनको घर जाने दिया जाए, और जितने भी मस्जिद के अंदर मतलब नमाजी हैं उनके लिए भी, और जितने भी धर्म स्थल हैं उन पर भी शांति बनाए रखें। हमारा सबका, हम मुसलमानों का, काजी साहब का और रियाज साहब का, सलीम साहब का, और जितने भी आसम पटेल साहब, बहुत सारे पार्षद भी हैं इसके अंदर, सबका एक ही तर्क है कि पूरे शहर के अंदर जो है अमन और शांति बनाए रखने की ये मीटिंग थी। नाम बता दीजिए अपना। अकील अशरफ। पिछले जो चार पाँच दिन से जो खंडवा शहर के माहौल से आप लोग सब वाकिफ़ है, हम लोग भी उस माहौल से वाकिफ़ है, और आज हमने दोनों आला अधिकारी से मिलने का एक हमारा निर्णय हुआ था, जिसके सिलसिले में आज शहर के मुस्लिम समाज के सभी जो गणमान्य नागरिक हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर प्रशासन के सामने हमने अपनी बात रखी है, हमने तर्क रखे हैं प्रशासन के सामने कि जो प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है अभी तक के एक तरफा, उसके कुछ फुटेज वगैरह भी हमने प्रशासन को अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच होने के बाद जो लोग कसूरवार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और बेगुनाहों को जो परेशान किया जा रहा है, और जो ज़िला प्रशासन ने दूसरे दिन वहाँ पर जो अतिक्रमण तोड़ा गया है, जो मुस्लिम समाज का अतिक्रमण जो दूसरे दिन तोड़ा गया है, तो उस संबंध में भी हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपको एक पक्ष का अतिक्रमण दिखाई देता है, तो जो कंजर मोहल्ला है जहां पर अवैध रूप से जो शुरू से दारू का व्यवसाय किया जा रहा है, गांजे का व्यवसाय किया जा रहा है, वहां का अतिक्रमण प्रशासन को क्यों नहीं दिखता? तो मैं ये प्रशासन से भी बहुत गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन कोई काम करे या ज़िला प्रशासन कोई काम करे तो वो दोनों आँखों से देखे, एक आँख को बंद करके ना देखे। हम लोग जो है शहर में शांति कायम करना चाहते हैं, हमने हमेशा शहर में शांति कायम की है, और हम शहर में शांति आइंदा भी कायम रखेंगे। बस अगर इंसाफ होते रहेगा तो शहर में शांति बनी रहेगी। कुछ दिन से एक नया चल रहा है कि आपके भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं समाज को, वो ऐसा कुछ नहीं है समाज में, वो जो चलते रहता है।